So hello guys, I am Jagdish Patel, and first of all I would like to say one thing only. Welcome all the corporates in the best medical college in the Mumbai, the best infrastructure medical college in the Mumbai. So guys, basically आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, नीट क्लियर इतनी टफ एग्जाम क्लियर करके हम मेडिकल कॉलेज में इंटर हुए हैं. उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम नए नए होते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो हमें बहुत सारी बातें नहीं समझती है. तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, तो बस आज इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूँ. सो गाइस, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनी. मेडिकल कॉलेज में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होते हैं सीनियर्स. जिस फील्ड में हम नए नए हैं उसी फील्ड में हमसे एक साल पहले या फिर दो तीन साल पहले ऐसे लोग जो उसमें इंटर कर चुके हैं, वो वहाँ पे बेसिकली अच्छा नॉलेज ले चुके हैं, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है कि रिस्पेक्ट योर सीनियर्स. आपको एक सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, और जो भी सारी चीज़ें मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सारी जो भी इवेंट्स या फिर बुक्स स्टडी कैसी करनी है, सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सीनियर से ही मिलने वाली है. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उनके साथ एकदम अच्छे से पेश आएँ, बिकॉज अगर उनके साथ आप अच्छे से नहीं पेश आए तो आप किसी भी हिसाब से हेल्प नहीं करेंगे और आपको ही तकलीफ आने वाली है. ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमें बुक कौन सी फॉलो करनी है. फर्स्ट ईयर MBBS में आने के बाद हमें कुछ नॉलेज नहीं होता कि बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो हम क्या करते हैं, कुछ मेरे दोस्त ने ये फॉलो की है, मेरे एक भैया थे उन्होंने ये बुक रेफर करते, तो वो जो हमें बताते वो हम फॉलो कर देते, और फिर बाद में हमें ऐसा लगता है कि इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा. तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट आइडिया देने वाला हूँ कि सबसे पहले तो आपको इतनी जल्दी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप 20 से 25 दिन आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन PDF अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार जैसे जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे वैसे आप पढ़ना, अलग अलग बुक रेफर करके देख सकते हो PDF में. तो उसके बाद आपको अगर बेसिक आइडिया लग जाएगी हाँ इस बुक से मुझे समझ रहा है, तो फिर आप वो बुक फॉलो कर सकते हैं. बुक कौन सी फॉलो करनी है, सब्जेक्ट कितनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा. आज मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. तो बुक्स कौन सी खरीदनी है उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो दूंगा, लेकिन आपको इतनी जल्दी बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. तीसरी बात यह आती है कि बुक्स के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदने का शौक होता है. सबसे पहले आके हमें स्टेथोस्कोप खरीदना है, साइकोमैनोमीटर खरीदना है. गाइस, थोड़ा आराम से करिए. आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए, इसके लिए मैं भी अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा. फर्स्ट ईयर में हमें काफ़ी सारे गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, सारा गाइडेंस यहाँ से आपको मिल जाएगा. उसके अलावा अब जैसे ही आप इंटर हुए हो, अब कुछ दिनों तक सीनियर्स के सेमिनार भी होंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि मेडिकल कॉलेज में हमें सर्वाइव कैसे करना है, आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है, कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सीनियर के सेमिनार द्वारा ही आपको पता चलेगी. उसके बाद एक चीज़ आती है जो ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट जनरली मुझे पूछते रहते हैं कि सर आपके कॉलेज में ऐसा है क्या, ग्रुप बनते हैं ऑल इंडिया वालों के साथ, अलग बिहेव किया जाता है? तो ऐसा मेरे कॉलेज में तो नहीं है. हाँ, ये है कि ज़्यादातर जो भी पॉपुलेशन होती है वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, जैसे कि अब महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो ऑल इंडिया से आते हैं उनके साथ कुछ मिसबिहेव किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर उनको आता है, लेकिन समय के साथ वो भी नॉर्मल लगने लगता है. तो ऑल इंडिया वाले लोग जो काफ़ी डरते हैं कि घर से दूर जा रहे तो कुछ इशू होगा क्या, देखो कॉलेज में तो कुछ इशू होने वाला नहीं है, बाकी आपकी अलग बात है. तो ऑल इंडिया वाले लोग जो घबराते हैं कि ग्रुप कुछ टॉर्चर होता है क्या ऑल इंडिया वालों के साथ, तो अलग से किसी के साथ कुछ टॉर्चर नहीं होता. ठीक है, तो बस ऐसी सारी बातें थी जो मुझसे. गाइस, थैंक सो मच. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, बुक्स और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी है वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा. आपको कौन सी बुक रिफर करनी है और बुक्स के अलावा और क्या चीज़ों की आपको फर्स्ट ईयर में ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत जल्दी आपके साथ वो वीडियो लेके मैं आने वाला हूँ. तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू सो मच, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.